सर, पीड़िता की हालत बिल्कुल स्टेबल है और यहाँ पे शायद सुबह अफवाहें हो गई थी कि कंडीशन में डिटेरियरेशन हुआ है, उसी को देखते हुए सारे लोग यहाँ पे पहुँचे भी थे सुबह भी। अब सेकंड राउंड में भी हम लोग आए हैं और ये डॉक्टर से मिलके और कंडीशन हॉस्पिटल में देख के बिल्कुल स्पष्ट है कि रात से कोई डिटेरियरेशन नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज को रिक्वेस्ट भी की गई है कि हर 3-4 घंटे में एक बुलेटिन भी जारी कर दें ताकि इस प्रकार की अफवाह फ्यूचर में ना उड़े। तो CMS जो है अब हर 4 घंटे में एक मेडिकल बुलेटिन भी अधिकृत रूप से जारी करेंगे। कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है और डिप्टी CM साहब जो यहाँ पे निरीक्षण करके गए हैं उनके द्वारा निर्देश दिया गया है जो KGM में हो उनको कि किसी भी प्रकार से और डॉक्टर्स की आवश्यकता हो, देश में कहीं से भी आवश्यकता हो या PGI से आवश्यकता हो, तो उनको भी बुलाया जाए और उनके निरीक्षण में भी यहाँ पे इलाज कराया जाए। तो KGM के जो एक्सपर्ट डॉक्टर लगे हैं वो इस बात पे मंथन करेंगे और जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, सरकारी खर्चे पे यहाँ पे इलाज ऑलरेडी जारी है उसमें और भी एनहेंसमेंट किया जाएगा। किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता हो तो ऑन कॉल उसको बुला के सरकारी खर्चे पे इन पेशेंट्स को दिखवाया जाए। सारी जाने की जरूरत अभी है, एयरलिफ्ट करने की कुछ ऐसी आवश्यकता है? ये कॉल केवल और केवल डॉक्टर्स को लेनी है और अगर डॉक्टर्स का ओपिनियन फ्यूचर में बनेगा तो उस पर जरूर कॉल ली जाएगी। फिलहाल हमारी दायित्व ये है कि यहाँ बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, उसी की कोशिश जारी है। बाकी जो भी डॉक्टर्स का निर्णय होगा भविष्य में वो जब भी होगा तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा।